बाहुबली से विधायक का सफर तय करने वाले यूपी के मऊ से 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी की मोहाली कोर्ट में पेशी के लिए इस्तेमाल की जा रही बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस चंडीगढ़ में नहीं बल्कि पंजाब में बनाई गई थी। एम्बुलेंस को लेकर पंजाब सरकार व पुलिस बचाव का रुख अख्तियार करने में लगी है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसकी जानकारी जुटा ली है कि एम्बुलेंस को 2013 में पंजाब में बुलेट प्रूफ किया गया था। एम्बुलेंस को बुलेट प्रूफ तैयार करने के लिए मुख्तार के खासम खास उद्योगपति ने अहम भूमिका निभाई थी। उक्त उद्योगपति का फैब्रिकेशन का बड़ा कारोबार है। मुख्तार को लेकर बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस पर मचे बवाल के बाद उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के सदर थाने की पुलिस ने भाजपा की नेता अलका राय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यह केस बाराबंकी परिवहन कार्यालय की शिकायत पर दर्ज किया गया है। यूपी 4180-7171 नंबर की यह एम्बुलेंस साल 2013 में बाराबंकी से रजिस्टर की गई थी। इस एम्बुलेंस को मऊ से संजीवनी अस्पताल के नाम पर रजिस्टर किया गया था। इस पर संजीवनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर SN राय के साइन भी हैं। एम्बुलेंस को लेकर मचे घमासान के बीच जिस डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है वह मऊ जिले से, यह चांदपुर गाँव मुख्तार अंसारी के गाँव यूसुफपुर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अपने बयानों में बीजेपी के नेता डॉक्टर अलका राय ने मुख्तार अंसारी से किसी भी प्रकार का संबंध होने से इनकार किया है। सूत्रों की माने तो मुख्तार की एम्बुलेंस चंडीगढ़ में नहीं बल्कि मोहाली में बुलेट प्रूफ की गई थी, जिसे साल 2013 में मोहाली की एक फैक्ट्री में बुलेट प्रूफ किया गया था। फिलहाल यूपी पुलिस इस एंगल पर भी जाँच कर रही है कि इस एम्बुलेंस को कहाँ बुलेट प्रूफ किया गया था। वहीं यूपी सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि मुख्तार की एम्बुलेंस मामूली एम्बुलेंस नहीं बल्कि उसका चलता फिरता किला थी। यूपी के पूर्व DGP ब्रिजलाल का कहना है कि यह एम्बुलेंस पूरी तरह से बुलेट प्रूफ थी, जिसमें मुख्तार के गुर्गे हथियारों के साथ हर समय मौजूद रहते थे। जिस एम्बुलेंस में सारी सुख सुविधाओं के साथ सेटेलाइट फोन की व्यवस्था भी थी, जिसे मऊ के मोहम्मदाबाद का रहने वाला सलीम चलाता था। सलीम के एक भाई प्रिंस का पुलिस ने पहले ही इनकाउंटर कर दिया था। मुख्तार अंसारी को मुहैया कराई गई एम्बुलेंस मामले में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस संबंध में बाराबंकी की नगर कोतवाली में परिवहन कार्यालय की तहरीर पर धोखाधड़ी समेत दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विगत दिनों से मीडिया के माध्यम से एक एम्बुलेंस के बारे में लगातार सूचनाएं मिल रही थी, जिसका वाहन संख्या UP 4180-7171 एम्बुलेंस परिवहन कार्यालय बाराबंकी में पंजीकृत था। परिवहन विभाग द्वारा इसके बारे में सूचना इकट्ठा की गई। सभी विभाग जो कंसर्न डिपार्टमेंट है सभी से सूचनाएं लेकर के इसमें जानकारी की गई। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे जो वाहन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स, वो जिस पते पर थे वो मकान संख्या 56 उस रफीनगर में स्थित नहीं है। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो प्रथम दृष्टया फ्रॉड पाए गए हैं, फोर्जरी के पाए गए हैं। इस आधार पे इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें 419-20-67-68-71 आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और अब आगे इसमें जितने भी कंसर्निंग लोग हैं जो डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड बनाने में या इसमें शामिल लोग हैं उन सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के पास सिर्फ यह बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस ही नहीं बल्कि मुख्तार के काफिले में चलने वाली कई गाड़ियां बुलेट प्रूफ है। सूत्रों की माने तो साल 2008 और 9 के बीच मुख्तार ने एक टाटा सफारी और एक पजेरो स्मार्ट गाड़ी को भी बुलेट प्रूफ बनवाया था। एम्बुलेंस को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच पुलिस अब तक यह पता नहीं कर पाई है कि इस एम्बुलेंस को कहां और किस कंपनी में बुलेट प्रूफ कराया गया था। अब मुख्तार के पेशी के दौरान मचे इस बवाल में यह भी जांच का विषय है कि इस एम्बुलेंस के शीशे पर किसी कंपनी का हॉलमार्क है या नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।